आपका साथ है अशोक सर, जो एज अ फेमस यूट्यूबर आम आदमी की आवाज़। फाइनली उन्होंने मैं हूँ अटल मूवी देख के आए। सर, कैसी लगी मूवी आपको, अटल बिहारी वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी का मूवी जो मैंने देखा दोस्तों, एक ही मैं बात बोलूँगा कि एक जो है ये मूवी देखने के बाद जो है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिली और बहुत कुछ जो है समझने को मिला। समझने को ये मिला है कि ये है कि मैं आज तक जो है इतिहास ना तो ढंग से जाना था ना तो पहचाना था, ये मूवी देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन यही मैं चाहूँगा कि हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता को, हर एक जन को, मतलब एक एक मतलब नगर सेवक हो, MLA हो, हर एक कार्यकर्ता के जिसे भी अच्छा मंत्री बनना है, हाँ, शायद हाँ, उनसे इंस्पिरेशन हाँ, मिल सके, हाँ इंटरेस्ट मिले और ये मूवी आके देखो। दोस्तों मैं तो जैसे लग रहा है ना कि मैं ये देख के जैसे बाहर लगा कि मैं खुद नेता हूँ। ऐसा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सीखने को ये मिला है कि एक जो है एक आम आदमी से ही स्टार्ट होता है, मतलब नेता बनने के लिए कोई बड़ा आदमी की ज़रूरत नहीं। तो इसमें यही बताया गया है अटल बिहारी वाजपेयी किस तरीके से, मतलब बचपन से लेकर के किस तरह से लड़ाई की और कहाँ तक जा कर के। पंकज त्रिपाठी का किरदार कैसा लगा? एक नंबर काम लगा और उनका जो है जो उन्होंने रोल किया मानना पड़ेगा, जैसे लग रहा था साक्षात जो अटल बिहारी वाजपेयी सामने खड़े। चार पांच डायलॉग पिक्चर के बहुत अच्छे थे, आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था? फेवरेट डायलॉग जो है वही लास्ट एंडिंग में जो है जब अटल बिहारी वाजपेयी बस से जाते हैं, जो कि पहली बार 98 में बस पाकिस्तान से इंडिया में बस जाती है लाहौर, और उसके अंदर जब कॉन्फ्रेंस रहते हैं वहाँ पर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ प्रधानमंत्री कौन थे, वहाँ के रिपोर्टर पूछते हैं, हाँ रिपोर्टर पूछती है और वहाँ के भी प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, नवाज शरीफ। तो हाँ नवाज शरीफ, तो वहाँ पे एक रिपोर्टर पूछती है कि मैंने सुना है कि अटल जी आपने शादी नहीं किया, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्या उसके बदले में आप मुझे कश्मीर देंगे? मुँह दिखाई में आप कश्मीर देंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ये नहीं समझी कि अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जो है एक 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 मतलब लेखक भी हैं, एक कलाकृति भी, कवि भी हैं, ये नहीं समझे कि वो जो है कितने गहराई तक जानते हैं और वो गहराई से उसे जो है जवाब देते हुए बोलते हैं, चलो ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में क्या मुझे पूरा पाकिस्तान दोगे, दहेज में दोगे, दहेज में पाकिस्तान दो? तो दोस्तों ये डायलॉग सबसे अच्छा लगा, वही जाने हाँ। तो दोस्तों ये मूवी अच्छी लगी मुझे और इतनी अच्छी लगी कि मैं हर एक इंसान को बोलूँगा, हाँ इसमें लव स्टोरी जो है मतलब बताई गई है, जो कि प्यार करते हैं लेकिन जो है देश के प्रति इतने घुल मिल जाते हैं और देश को इतना प्यार करते हैं हर एक जनता, हर एक आम आदमी से, कि वो जो है शादी तक नहीं करते। इसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, हाँ उनका रोल दिखाया, लाल कृष्ण आडवाणी, हाँ सब लोग, प्रमोद महाजन सर, हाँ सब लोग बताए। और यहाँ तक जो है मैं ये देखूँगा कि बीजेपी में ये देखने को मिला है कि जो मतलब इस कैंडिडेट जो है प्रधानमंत्री के बनने लायक है वो अपना छोड़ करके दूसरे को देता है, जो इसमें लाल कृष्ण आडवाणी सर ने अटल बिहारी वाजपेयी को बनाते हैं। तो दोस्तों यही जो है बीजेपी की देन है और आज भी जो है बीजेपी वही करते आ रही है। एक जवान जवान शुरुआती का, फिर बीच में युवा होना, बाद में जब वो उनको पार्लियामेंट का, जब मतलब अपने एज में 60+ एज में आने का, देखो जब वो असेंबली में, जब वो संसद में खड़े रहते हैं, जब वो बोलते हैं कि जब उनकी गिनती होती है कि एक एक सीट से उनकी पार्टी गिर गई है, तब वो बोलते हैं ना, जब वो एक पार्टी से हार जाते हैं, एक वोट से हार जाते हैं, तो ये नहीं बोलते हैं कि एक से मैं चाहे हारा हूँ चाहे जीता हूँ, तभी भी वही मैं बोलूँगा लोकतंत्र रहना चाहिए, चाहे हारो चाहे जीतो ये हमेशा रहना चाहिए, लेकिन जो सामने वाला आता है उसे काम करते ही रहना चाहिए, ये नहीं कि नहीं करते रहना चाहिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने वो काम कर दिखाया और है चाहे ना है, लेकिन उनका जो काम है आज दिख रहा है और पब्लिक को जो है हमेशा वो समझते रहे और वही काम पब्लिक के हिसाब से हो रहा है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है बीजेपी के फाउंडर रोल मॉडल के तौर पे, ठीक है, और यहाँ पे थिएटर में बीजेपी कार्यकर्ता फर्स्ट शो में मिसिंग थे, ऑलमोस्ट मुझे लगता था थिएटर हाउसफुल होना चाहिए, हम लोग ये सोचे थे ज़्यादा नहीं तो 50% भी बीजेपी के कार्यकर्ता या कुछ देखे, तो वो क्यों नहीं नजर आया? देखिए यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो है पहली बात है कि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो सोच उनकी थी, अगर उनको सीखना है
तो आपको ये मूवी आके देखनी होगी, हर एक हाँ जो भी है हाँ आना चाहिए, आना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ तो मुझे तो अच्छा लगा, हाँ मुझे तो अच्छा लगा, आप देखो चाहे हाँ सम्मान में तो आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, आना चाहिए। और इस मूवी को देखता मैं यही बोलूँगा कि हर एक फैमिली, हर एक बच्चा बच्चा जो है, हर एक पिता अपने अपने बच्चे को दिखाना चाहिए, क्योंकि एक सीख मिलेगी और एक इतिहास के बारे में मालूम होगा। क्योंकि सोने की चिड़िया बनने के लिए देखा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और आज जो है बनता नज़र आ रहा है और बनेगा दोस्तों, क्योंकि हर एक घर घर में जो है रामलला आने वाले हैं और हर एक जगह पर दिया जलने वाले। तो दोस्तों बस इतना ही, मैं इस मूवी को देता हूँ पूरे के पूरे कितना लेना चाहेंगे, 5 स्टार। और पंकज त्रिपाठी का जो एक्टिंग और जो डायरेक्टर पंकज त्रिपाठी, इन्होंने जो उन लोग को भी 5-5, क्योंकि उन्होंने हर एक सीन उन्होंने रवि यादव का मतलब सही एकदम परफेक्ट। थैंक यू सर।